हेलो चिल्ड्रन, नाइन्थ क्लास में केमिस्ट्री में आज का हमारा टॉपिक रहेगा सॉलिड्स। सॉलिड्स में क्या होता है, पार्टिकल्स जो हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब बिल्कुल एक दूसरे के नज़दीक होते हैं। कुछ इस तरीके से आप डायग्राम में देख सकते हो, ये सॉलिड की क्लोज पैकिंग है। देयर इज ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में मजबूत अंतरा परमाणुक बल होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो उन पार्टिकल्स को फिक्स्ड पोजीशन में बांधे हुए रखता है। तो पोजीशन जो है पार्टिकल की सॉलिड के अंदर वो फिक्स होती है। सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो अपनी फिक्स्ड पोजीशन के इर्द गिर्द सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, कैन नॉट मूव फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर, एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह नहीं जा सकते। अगर किसी सॉलिड को हीट किया जाता है तो उसके पार्टिकल तेज़ी से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, और जो स्पेस है पार्टिकल के बीच में वो बहुत ही स्मॉल होता है। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा उनमें ना के बराबर होती है। इसी कारण सॉलिड के अंदर एक ऑर्डरली अरेंजमेंट पाया जाता है पार्टिकल्स का, जो कण हैं वो एक विशेष व्यवस्था में बंधे होते हैं। अब हम क्या एक्सप्लेन करेंगे सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज। सबसे पहली बात हम पढ़ चुके हैं, सॉलिड की फिक्स्ड शेप होती है। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के वो क्लोजली पैक्ड हैं, तो उनकी पोजीशन फिक्स होती है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। दूसरी बात अगर करें तो सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स होता है। क्यों फिक्स होता है? क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस होते हैं, जो गैप होते हैं, वो फिक्स होते हैं। ए सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड ईजिली, किसी भी सॉलिड को बहुत आसानी से कंप्रेस नहीं किया जा सकता, दबाया नहीं जा सकता काफ़ी हद तक। क्योंकि इसके पार्टिकल जो है वो ऑलरेडी क्लोजली पैक्ड होते हैं, और उनके बीच में हार्डली, बड़ी मुश्किल से ना के बराबर स्पेस होता है। सेकंड पॉइंट है, सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत ही क्लोज पैकिंग में होते हैं, और सॉलिड जो है वो उस कंटेनर को फिल नहीं करता पूरी तरीके से जिसमें इसको रखा जाता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसके पार्टिकल स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स से मजबूती से पकड़े हुए हैं, तो हैंस कैन नॉट लीव देयर पोजिशंस, वो अपनी जगह नहीं छोड़ सकते कि वो पूरे कंटेनर को फिल कर सके। इसी प्रकार सॉलिड डज नॉट फ्लो, जो सॉलिड होता है वो बहता नहीं, जबकि लिक्विड जो है वो फ्लो, फ्लूडिटी शो करता है। कारण इसके पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और वो अपनी फिक्स्ड पोजीशन को छोड़ नहीं सकते, इसलिए सॉलिड्स जो हैं वो फ्लूडिटी शो नहीं करते। अब कहता है, अभी हमने एक बात सीखी कि सॉलिड की फिक्स्ड शेप होती है। एक रबड़ बैंड जो होता है, जो चोटी के अंदर डाला जाता है बालों में, वो अपनी शेप चेंज कर लेता है जब उसको स्ट्रेच किया जाता है। तो क्या आप उसको सॉलिड बोलोगे? इसकी हम कैसे एक्सप्लेनेशन दें? रबड़ बैंड को सॉलिड ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपनी शेप तब चेंज करता है जब हम इसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स लगाते हैं, तो एक्शन ऑफ फोर्स से उसकी शेप चेंज होती है, और जैसे ही आपने फोर्स रिमूव कर दिया तो रबड़ बैंड जो अपनी ओरिजिनल शेप दोबारा प्राप्त कर लेता है। दूसरे सभी सॉलिड की तरह अगर रबड़ बैंड को स्ट्रेच किया जाए लार्जर फोर्स की मदद से तो वो टूट जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे साल्ट और शुगर का केस। जब साल्ट और शुगर को अलग अलग शेप के जार में रखा जाता है तो वो उसी जार की शेप ले लेते हैं। इससे क्या इंडिकेट होता है? कि उनकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती। तो क्या हुआ, अगर साल्ट और शुगर अपीयर टू हैव ए फिक्स्ड शेप, डू नॉट अपीयर टू हैव ए फिक्स शेप, ऐसा लगता है उनका आकार निश्चित नहीं है, तो फिर हम उनको सॉलिड क्यों कहते हैं? एक्चुअली ये प्रॉब्लम आती है क्यों? क्योंकि नमक और शुगर के अंदर बहुत टीनी क्रिस्टल्स होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं। साल्ट और शुगर को सॉलिड इसलिए माना जाता है क्योंकि अगर आप उनका कोई इंडिविजुअल क्रिस्टल लेते हो, एक क्रिस्टल लेते हो, चाहे साल्ट का चाहे शुगर का, उसकी शेप फिक्स रहती है, चाहे आप उसको किसी भी शेप के जार में डाल लो, तो जो सॉलिड को बनाने वाले पार्टिकल हैं उनकी शेप फिक्स है। दैट्स वाई साल्ट एंड शुगर आर कंसिडर्ड एज सॉलिड्स।
अभी हमने क्या सीखा, सॉलिड्स को काफ़ी हद तक कंप्रेस नहीं किया जा सकता, दबाया नहीं जा सकता। अब जो स्पंज होता है उसको इजीली कंप्रेस किया जा सकता है। स्पंज आप स्याही चूस से समझ सकते हो, जिसको आप इंक सोखने के लिए यूज करते हो, ब्लोटिंग पेपर टाइप का। तो स्पंज को आप कंप्रेस कर सकते हो, तो उसको सॉलिड क्यों बोला जाए, इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? स्पंज को सॉलिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर मिनट पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसकी वजह से उसमें कंप्रेसिबिलिटी होती है। उन पोर्स के अंदर हवा भरी होती है, हम उसको दबा सकते हैं। जब हम स्पंज को प्रेस करते हैं, एयर एक्सपेल्ड हवा बाहर निकल जाती है उसके छेदों में से, और वो और ज़्यादा कंप्रेसिबल हो जाता है। अगले लेक्चर में हम लिक्विड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव ए नाइस डे।